Hi everyone, I hope you all are doing well. My name is Ritu Rathi and I come up with the new video of Business Flow, and our today topic is capacity to contract. Let me introduce myself first. My name is Ritu Rathi and I am 3 times NET qualified. अभी मैंने करंटली वर्क स्टार्ट करा है विद द टैलेंट ब्लेजर वेर यू कैन फाइंड ऑल द मटीरियल्स रिलेटेड टू योर यू जी सी नेट प्रिपरेशन. यू गेट द मटीरियल देयर, यू गेट द नोट्स एंड द क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस ऑल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विच कैन कम इन द फ्यूचर यू जी सी नेट एग्जाम. टैलेंट ब्लेजर इज टोटली फोकस ऑन योर प्रिपरेशन. You just need to join the talent blazer. Rest you can बाकी आप हम पे छोड़ दो, हम आपको बेस्ट देंगे. ओके, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट. सबसे पहले समझते हैं कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट. प्रीवियस वीडियो में हमने कॉन्ट्रैक्ट समझा था कि कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या होता है. उसी का एक इसेंशियल एलिमेंट था हमारा कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट. बिकॉज जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं हमारी दो पार्टीज होती है, ठीक है, एक ऑफरर होता है एक ऑफरी होता है. तो उन जो भी पार्टीज हमारी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इन्वॉल्व होती हैं उनकी क्या कैपेसिटी होती है, किस उनमें क्या कैपेसिटी होनी चाहिए, क्या कॉम्पिटेंस उनमें होना चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है. सो अकॉर्डिंग टू आवर सेक्शन 11 ऑफ बिजनेस लॉ, एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट वो इज ऑफ एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट एंड वो इज ऑफ साउंड माइंड एंड इज नॉट डिसक्वालिफाइड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टिंग बाई एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट. सो देर आर 3 types ऑफ कैपेसिटी एक्सप्लेन अंडर आवर सेक्शन 11 ऑफ बिजनेस लॉ. द पर्सन शुड बी अटेन द एज ऑफ मेजॉरिटी. इनके बारे में हम इन डिटेल पढ़ेंगे जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड्स होंगे. नेक्स्ट, द पर्सन इज ऑफ साउंड माइंड एंड थर्ड वन इज ही और शी इज नॉट डिसक्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ. किसी भी लॉ से वो जो पर्सन है वो डिसक्वालिफाइड नहीं होने चाहिए. सो वन बाय वन वी स्टार्ट रीड आउट जो हमारी कैपेसिटी है कि कौन कौन से जो हमारी पार्टीज हैं उनमें वो मानी जाती कि कौन कौन सी कैपेसिटी हमारी जो पार्टीज हैं उनमें होनी चाहिए, कौन कौन से जो पर्सन है हमारे वो कॉम्पिटेंट हैं टू डू द कॉन्ट्रैक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल जो पर्सन है वो हमारा मेजर होना चाहिए. मेजर एंड माइनर हम अच्छे से इन डिटेल एक्सप्लेन करूँगी मैं आगे. तो सबसे पहले मेरा जो पर्सन है वो मेजर होना चाहिए. पर्सन जो है मेरा वो साउंड माइंड का होना चाहिए और नॉट डिसक्वालिफाइड बोल लो, ठीक है. अगर हमारी ये 3 कंडीशन फुलफिल हो रही हैं कि जो मेरा पर्सन है जो पार्टी इन्वॉल्व हो रही है कॉन्ट्रैक्ट में वो अगर मेरी मेजर है, साउंड माइंड की है, नॉट डिसक्वालिफाइड लो है, तो अगर ये 3 कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो वो पार्टी कैन एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. तो वो पार्टीज जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा कैसा होगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा. कौन कौन से पार्टीज़ हैं, कौन कौन से पर्सन हैं विच आर नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इन एनी कॉन्ट्रैक्ट. अगर जो हमारी पर्सन है जो हमारे पर्सन हैं वो माइनर हैं, अनसाउंड माइंड के हैं, डिसक्वालिफाइड बाय लॉ हैं, तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो बिकॉज हम उन्हें बोल ही नहीं सकते. बिकॉज अगर जो हमारा पर्सन है, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है. तो अगर जो हमारा पर्सन है जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो माइनर है, अनसाउंड माइंड है, डिसक्वालिफाइड बाय लॉ है, तो वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कोई भी एग्रीमेंट करेगा दैट इज नॉट एग्जिस्ट इन आवर लॉ, ठीक है. वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा कैसा होगा, वॉइड एग्रीमेंट. बिकॉज वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के बीच में डिफरेंस ही होता है. जो एग्रीमेंट जो भी एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ है वो हमारे बन जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट. तो अगर जो पार्टी है वो माइनर है, अनसाउंड माइंड की है, डिसक्वालिफाइड बाय लॉ है, तो दैट मींस इसका मतलब क्या है कि ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी जो भी एग्रीमेंट करेंगी वो हमारे इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो ही नहीं पाएंगे. अगर वो हमारे सो दोज एग्रीमेंट आर नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ तो हमारे क्या होंगे,
एग्रीमेंट हो गए। तो वो एग्रीमेंट कैसे हो गए हमारे, वॉइड एग्रीमेंट। कभी भी हम इसको ये नहीं बोलेंगे कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बिकॉज वॉइड हमेशा क्या होता है, वो हमारा एग्रीमेंट, उसने अभी तक स्टेटस गेन ही नहीं करा है कॉन्ट्रैक्ट का हमारा। सो कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर, जो भी हमारे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं माइनर के, और जो हमारी माइनर की डेफिनेशन है, वो हमारी कौन से एक्ट के अंडर एक्सप्लेन करी गई है, कि हमारा जो इंडिया है वो कौन सी एज को एज ऑफ मेजोरिटी मानता है, हमारे माइनर्स क्या होते हैं, मेजर्स क्या होते हैं, ये हमारी किस में डिफाइन करी गई है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875। दिस ऑल द डेफिनेशन की माइनर की क्या डेफिनेशन है, मेजर की क्या डेफिनेशन है, ये सारा हमारा किसका पार्ट है, इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875। सो अकॉर्डिंग टू द इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875, द एज ऑफ मेजोरिटी इन इंडिया इज डिफाइंड एज 18 ईयर्स। हमें वोटिंग राइट भी कब मिलता है, जब हम 18 ईयर्स अबव हो जाते हैं, तो हमें क्या मेजर माना जाता है। बेसिकली गाइस, मेजर का मतलब ये होता है कि वी हैव द कैपेसिटी कि हम पढ़ सकते हैं, हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जिस भी पेपर पे हम साइन कर रहे हैं, हमारे साथ जो भी कुछ हो रहा है, लाइक जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, हम अपनी मर्जी से, हम हमारे पास जो है अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी आ जाती है कि हम अपना अच्छा भला बुरा हम सोच सकते हैं। लेकिन जब तक हम माइनर होते हैं, तो हमें बोला जाता है कि हमें इतनी समझ नहीं है कि हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है और क्या हमारे लिए नहीं, क्या चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है इंडिया की, या जो हमारा लॉ है, वो किस एज में हमें मानता है, एट द एज ऑफ 18 ईयर, कि अब हमारे अंदर वो कैपेसिटी आ गई कि हम अपने अच्छे बुरे का डिसीजन ले सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875, द एज ऑफ मेजोरिटी इन इंडिया इज डिफाइंड एज 18 ईयर फॉर द पर्पज ऑफ एंटरिंग इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट। इवन अ डे लेस देन द एज डिस्क्वालिफाई द पर्सन फ्रॉम बींग अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपकी 18 ईयर से एक दिन भी कम एज है, ठीक है, तभी भी यू आर द माइनर। ऐसा नहीं है कि भाई एक दिन में क्या होता है, लेकिन एज पर लो आप माइनर ही हैं। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपका एज प्रूफ है, उस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग अगर आपकी जो एज है उसमें 18 ईयर्स होने में एक दिन, इवन 1 आवर भी बाकी है, यू आर द नॉट लाइबल टू डू द कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज आपकी जो अपने की जो एज ऑफ मेजोरिटी है वो आपने अटेन नहीं करी है। सो एनी पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया हु हैज नॉट अटेन द एज ऑफ 18 ईयर इज टर्म्ड एज माइनर। जो भी हम इंडिया के रेजिडेंट हैं, जिनकी डोमिसाइल है इंडिया की, सो हमारे लिए एज ऑफ मेजोरिटी क्या है, 18 ईयर्स, ठीक है। आफ्टर अटेनिंग द 18 ईयर एज, वी कॉल्ड एज मेजर। नेक्स्ट आता है गाइज आपका माइनर, कि आपका अभी तक जो हमने एज पर मेजोरिटी एक्ट पढ़ा, कि जो हमारी 18 ईयर्स है वो हमारी एज ऑफ मेजोरिटी है। तो ये तो था जर्नल केस, कि अगर कुछ कि जनरली ये हमारा अप्लाई होगा, कि जनरली हमें 18 ईयर्स से अबव हमें क्या माना जाता है, मेजर। लेकिन हमारे दो स्पेशल ऐसे केसेस हैं जिसमें हमारी एज ऑफ मेजोरिटी क्या होगी, 21 ईयर्स, कि जब हम 21 ईयर से अबव हो जाएंगे तब हमें मेजर माना जाएगा, 21 ईयर से लेस हम क्या रहेंगे, माइनर। अब हम पढ़ते हैं वो कौन कौन से हमारे स्पेशल केसेस हैं जिसमें हमें 21 ईयर्स की मेजोरिटी गेन करनी पड़ती है। तो सबसे पहले आता है हमारा, वेयर प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर इज अंडर सुपरिटेंडेंट ऑफ कोर्ट ऑफ वार्ड्स। इसका पॉइंट का क्या मतलब है, मान लो कि आपका कोई पर्सन है, कोई बच्चा है, कोई चाइल्ड है, वो अभी माइनर है, ठीक है, अभी वो अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकता, और जो उसकी प्रॉपर्टी है उसका कोई गार्डियन नहीं है, शी और ही इज द सोल ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। तो उस केस में हमारी जो कोर्ट होती है, वो जो प्रॉपर्टी है, जब तक वो माइनर जो है 21 ईयर की एज गेन नहीं कर लेता, अटेन नहीं कर लेता, तब तक वो जो प्रॉपर्टी है उसका देख रेख, उसकी देखभाल सब कौन करेगा, हमारा कोर्ट ऑफ वार्ड्स, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी किसके अंडर चली जाती है, वो माइनर की जितनी भी प्रॉपर्टी है सुपरिटेंडेंट ऑफ कोर्ट ऑफ वार्ड के अंडर हमारी आ जाती है।
और जब वो माइनर हमारा 21 ईयर से अबोव हो जाता है तो वो सारी प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर कर दी जाती है। सेकेंड केस हमारा क्या होगा, वेयर गार्जियन ऑफ अ माइनर इज अपॉइंटेड अंडर द गार्जियन एंड वार्ड एक्ट। जब हमारी जो कोर्ट है, जब कोर्ट में केस जाते हैं तो जो माइनर के लिए कोई, जो हमारी कोर्ट है वो एक गार्जियन अपॉइंट करती है, ठीक है, वो गार्जियन उसके माइनर के सारे डिसीजन लेगा कि भाई क्या उसके लिए बेनिफिशियल है क्या नहीं है। तो एक तरीके से एज अ गार्जियन जो माइनर है उसकी देखभाल करेगा, उसकी जो प्रॉपर्टी है या उसके उससे रिलेटेड जो भी डिसीजन लेने हैं वो कौन लेगा, जो माइनर का हमारा गार्जियन है। और उस गार्जियन को हमारी कौन अपॉइंट करती है, हमारी कोर्ट अपॉइंट करती है। सो इन दिस केस ऑल्सो जब हमारा माइनर 21 ईयर्स का हो जाएगा तब तक उसका वो किसके अंडर रहेगा, हमारा द गार्जियन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। जैसे ही वो हमारे 21 ईयर से अबोव हो जाएगा तब उसे मेजर माना जाएगा और तब वो अपने डिसीजन खुद ले सकता है। नेक्स्ट आपका आता है कि एग्रीमेंट विद अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। अगर हम कोई भी एग्रीमेंट करते हैं माइनर के साथ, बिकॉज मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकती, मैंने रीज़न फर्स्ट स्लाइड में भी एक्सप्लेन करा था, बिकॉज हमारी जो पार्टी है वो हम किसके साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं, माइनर के साथ। तो जब हमारी जो पर्सन है जिसके साथ हम एग्रीमेंट कर रहे हैं उसके पास कैपेसिटी ही नहीं है टू एंटर द कॉन्ट्रैक्ट, तो ये जो हमारा एग्रीमेंट है ये हमारा वर्ड माना जाएगा एब इनिशियो। एब इनिशियो का मतलब होता है स्टार्टिंग से, कि अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ करते हो तो वो, या कोई भी एग्रीमेंट जो आप माइनर के साथ करते हो वो हमारा स्टार्टिंग से ही वर्ड एग्रीमेंट होता है, कि उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, उसको आप लॉ में इन्फोर्स ही नहीं कर सकते। सो इसीलिए हम बार बार यहाँ पर वर्ड यूज कर रहे हैं एग्रीमेंट इन प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो ऑल द एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। जितने भी हम एग्रीमेंट करते हैं माइनर के साथ वो हमारे स्टार्टिंग से ही क्या होते हैं, एब इनिशियो का मतलब होता है इनिशियली, स्टार्टिंग फेज से ही, स्टार्टिंग से ही वो हमारे वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं। सो सिंस एनी पर्सन लेस देन द 18 ईयर ऑफ एज, बिकॉज हम जनरल केस लेके ही चलेंगे, ठीक है, क्योंकि स्पेशल तो हमारे दो ही केसेस हैं, तो हम जनरली बात करेंगे, कोई भी पर्सन जो 18 ईयर ऑफ एज का है डजंट हैव द कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, तो जो भी एग्रीमेंट माइनर करता है किसी भी पर्सन के साथ तो वो एग्रीमेंट्स हमारे क्या होते हैं, वॉइड एब इनिशियो, मतलब फ्रॉम द बिगनिंग वो हमारे कैसे एग्रीमेंट होते हैं, वॉइड। तो इसमें एग्जाम्पल हम लेते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है कि हमारा पीटर है, पीटर इज 17 ईयर एंड 6 मंथ ओल्ड, ही नीड्स सम मनी टू गो ऑन वेकेशन विद हिज फ्रेंड। होता है हमारे साथ जब हम स्कूल में होते हैं हमें फ्रेंड्स के साथ जाना होता है, हमारी पॉकेट मनी काफ़ी शॉर्ट होती है तो हमें चाहिए होता है कि हम फ्रेंड्स के साथ घूम के आए, पिज़्ज़ा पार्टी करें एंड ऑल। तो जो हमारा पीटर है वो कितने का था, 17 ईयर 6 मंथ का, तो ऑब्वियस है वो पर्सन जो पीटर है हमारा वो क्या है, माइनर है, ठीक है। ही अप्रोच अ मनी लेंडर एंड बोरो 25,000 एज अ सिक्योरिटी, ही साइन सम पेपर मोर्टगेजिंग इज लैपटॉप एंड मोटरसाइकिल। जो पीटर है वो एक मनी लेंडर के पास गया, उसने एक प्लान बनाया कि भाई मुझे तो वेकेशन पे जाना है अपने फ्रेंड्स के साथ, अब जो घर वाले हैं भाई उसको पैसे नहीं दे रहे थे, तो उसने क्या करा, एक मनी लेंडर था उसको अप्रोच करा और उससे 25,000 रुपये बोरो कर लिए, उधार में ले लिए, और एज अ सिक्योरिटी उसने कुछ पेपर साइन करे। वो पेपर किस चीज़ के थे कि भाई इस 25,000 रुपये के बदले जो पीटर है वो अपना लैपटॉप और मोटरसाइकिल इस मनी लेंडर के पास गिरवी रख रहे हैं, ठीक है। सिक्स मंथ लेटर जो पीटर है वो क्या हो गया, अब मेजर हो गया है, ठीक है, अब उसके पास कैपेसिटी आ गई टू एंटर द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जब उसने मनी लेंडर से पैसे लिए थे और उस पेपर्स पर साइन करा था तब जो हमारा पीटर था वो क्या था, माइनर, ठीक है। तो 6 मंथ लेटर 6 महीने बाद उसने क्या करा, व्हेन ही अटेन द एज ऑफ मेजोरिटी ही फाइल अ सूट डिक्लेयरिंग दैट द मोर्टगेज एग्जीक्यूटेड बाय हिम व्हेन ही वाज अ माइनर इज वॉइड। अब भाई वो 18 साल का हो गया, अब उसे पता चल गया कि भाई ये जो मैंने अपना लैपटॉप और मोटरसाइकिल गिरवी रखी है, जो भी मैंने मनी लेंडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा है ये तो वॉइड है, क्योंकि मैंने जब इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करा था मैं कैसा पर्सन था, मैं माइनर पर्सन था, और माइनर के साथ अगर आप कोई भी एग्रीमेंट करते हो वो हमारा वॉइड एब इनिशियो होता है। तो उसने क्या करा, कोर्ट में केस फाइल कर दिया।
और कोर्ट ने, बिकॉज भाई हमारा जो कोर्ट है वो क्या, उसने पहले ही स्टेट कर रखा है कि ऑल द एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। तो अब जो पीटर है, जब वो कोर्ट में गया तो कोर्ट ने पीटर की सारी लाइबिलिटीज खत्म कर दी कि अब उसको कोई जरूरत नहीं है, रिलीव द पीटर टू ऑल लाइबिलिटी टू रिपे द लोन, कि उसको ना तो लोन वापस करने की जरूरत है और ना ही उसके लैपटॉप और मोटरसाइकिल को मनी लेंडर अपने पास रखेगा। उसको उसकी लैपटॉप भी मिल गया, मोटरसाइकिल भी मिल गया, और 25,000 रुपये उसने अपने दोस्तों के साथ वेकेशन में उड़ा दिए। देख रहे हो माइनर होने के कितने बेनिफिट थे, आराम से कुछ किसी भी पर्सन के साथ एग्रीमेंट करो, उस एग्रीमेंट वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ ही नहीं है, वो वॉइड एब इनिशियो, खूब सारे पैसे उड़ाओ। लेकिन हमें ये चीजें तब क्यों नहीं पढ़ाई जाती भाई जब हम माइनर थे, ताकि हम इसका मिसयूज ना कर सके, क्योंकि जितने भी लॉ बनाए जाते हैं ये प्रोटेक्शन के लिए बनाए जाते हैं, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द माइनर, कि भाई आपको, क्योंकि जो हमारा कोर्ट है वो ये मानता है कि जब हमारा पर्सन, कोई भी पर्सन जब माइनर होता है तो उसे समझ नहीं होती कि उसके साथ वो अपने खुद के फैसले खुद नहीं ले सकता, ठीक है, उसको अपने अच्छे भले बुरे की समझ नहीं होती, तो हमारा कोर्ट ये मानता है। तो ये उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, माइनर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे लॉ बनाए गए हैं, इसीलिए हमें तब नहीं पढ़ाए जाते, क्योंकि उस टाइम हमें पढ़ा दिया जाता तो हम तो भाई लाखपति होते आज के टाइम पे। तो आपको एग्जाम्पल समझ आए कि पीटर, अब मनी लेंडर का तो भारी नुकसान हो गया, उसके 25,000 रुपये भी चले गए, और ना वो लैपटॉप और मोटरसाइकिल को यूज कर सकता, बिकॉज जो भी एग्रीमेंट उसने पीटर के साथ करा था वो क्या था, हमारा वॉइड एब इनिशियो, स्टार्टिंग से ही वो एग्रीमेंट कैसा था, वॉइड एग्रीमेंट था हमारा।